नमस्कार, मैं शालिनी नायडू। सॉरी, मैंने काफ़ी समय लगाया वीडियो बनाने के लिए। मैं बीच में घर पर अकेले थी और सोच रही थी मैं कहाँ निकलूँ। हरिद्वार मैं काफ़ी बार जा चुकी थी, ऋषिकेश भी जा चुकी थी। अचानक मेरे मन में आया मैं कैंची धाम जाऊँ। कैंची धाम के बारे में मैंने वीडियो में काफ़ी कुछ देखा था। मैं 2 बजे सोची और 5 बजे मैं घर से निकल चुकी थी कैंची धाम के लिए। नैनीताल के लिए मैं बस पकड़ने येलो मेट्रो में बैठकर आपका पहुंच चुकी हूँ काश्मीरी गेट। काश्मीरी गेट पहुंची, वहाँ बस स्टैंड में कहने लगे, नहीं मैडम, यहाँ पर आपको बस नहीं मिलेगा हरिद्वार का, सब बस यहाँ से जाता है, लेकिन आपका कैंची धाम का बस आपको मिलेगा वसंत विहार से। रात को 9:30 बजे वहाँ से बस में बैठकर मैं सुबह 7 बजे कैंची धाम आ चुकी थी। जैसा बस से उतरी हूँ, देख रही हूँ घंटियों का आवाज़ रास्ते पर सुनाई दे रहा है। मंदिर के बगल में ही आपका रास्ते के बगल में मंदिर है। मैं मंदिर में जाके पहुँची, बैग को एक साइड में रख दी और दर्शन करने लगी। दर्शन मेरा हो चुका था और बाहर निकली। बाहर निकल के सोच रही क्या करूँ, उतने पता चला यहाँ पर सब लेडीज़ अपना रूम देते हैं किराए पर। मैंने भी एक रूम लिया और वहाँ पर जाकर मैं आराम करने लगी। ठीक 2:30 बजे मुझे खाने का प्लेट आ गया और मैं कहने लगी, खाना बोलते, हाँ मैम हम खाना भी देते हैं। मैं वहाँ खाना खाई और आराम करने लगी। शाम को फिर 7 बजे मैं मंदिर पहुँची। मंदिर में फिर वहाँ पर आरती का समय था, मैंने आरती में भाग लिया। फिर रात को आई, फिर उन्होंने मुझे खाना दिया। मैं काफ़ी खुश हो रही थी कि मुझे अपने रूम में खाना मिल रहा है। मैं काफ़ी खुश हो रही थी कैंची धाम आकर, एक नया जगह देखने का मौका मिल रहा था और रूम के बगल में ही मंदिर था। आपको कभी भी नैनीताल आने से, आप 2 घंटा का सफ़र है कैंची धाम, ज़रूर आप कैंची धाम एक बार ज़रूर आकर देखिएगा। काफ़ी खूबसूरत जगह, काफ़ी शांतिपूर्वक है। करौली बाबा के नाम से यह जगह प्रसिद्ध मंदिर है।